हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए ऑयल्ड हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, और किस तरह से आपने वो बनाना है, अगर आप कहीं पार्टी के लिए जा रहे हैं तब भी वो आप उसे कैरी कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से एक नए वे में। वैसे भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऑयल्ड बन की काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आज मैं एक और नया ऑयल्ड बन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का बन है उसे बनाने के लिए आपने अपने हेयर्स को यहाँ से डिवाइड कर लेना है, इस तरह से टू सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, जैसे कि मैंने किया है। और डिवाइड करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह से इतने हेयर्स ले लें नियर अबाउट, और डिवाइड करने के बाद आपके ये वाले जो बैक वाले हेयर्स हैं इनमें आपने एक पोनी टेल क्रिएट करनी है। यहाँ पे कॉम कर लें, ये ऑयल्ड बन है, ऑयल मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे आपने इनमें अच्छे से कॉम करना है। तो ये मैंने कॉम किया जैसे कि आप देख रहे हैं, और कॉम करके यहाँ पे मैं एक रबर बैंड डाल देती हूँ। तो मेरे पास है यहाँ पे रबर बैंड, जिससे कि मैं अपने हेयर्स में डाल रही हूँ। अच्छे से एक टाइट बैंड आपने डालना है, आपका जो बैंड है वो लूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इन्हें अच्छे से नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन कर लें, टैंगल फ्री कर लें, और ये इनको बैक में कर दें। अब आपने क्या करना है, आपके ये जो हेयर्स हैं, मैंने इस साइड के भी सारे हेयर्स ले लिए और बैक में एक पोनीटेल क्रिएट कर ली इस तरह। और ये वाले जो हेयर्स हैं, इन हेयर्स को मैंने क्या किया है, एक छोटा सा सेक्शन लिया यहाँ से, इस सेक्शन को थोड़ा बैक से लेंगे, जो हाथ पे आपके बाल एंड हो रहे हैं ना, वहाँ से लेना है आपने सेक्शन, जैसे कि ये है, यहाँ से आपने एक सेक्शन लेना है, ये वाला सेक्शन ले लिया, एंड से लेना है। इसको आपने टू सेक्शंस में डिवाइड करना है और इसको मूव करना है इस तरह से। सेम यहाँ से थोड़े से हेयर्स लेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में इन्हें मूवमेंट देंगे, अच्छे से इन्हें नीट एंड क्लीन करेंगे। एंड अगेन आपने अपने हेयर्स लेने हैं, इनको मिक्स करना है, मूव करना है, फिर से इनको थोड़ा सा एक सेक्शन लेना है, इनको मिक्स करना है एंड मूव करना है। यही प्रोसेस आपने अभी तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपके ये वाले जो हेयर्स हैं ये कम्प्लीटली इस हेयर स्टाइल में आ नहीं जाते। इस तरह से आपने जस्ट जो भी लेयर आप ऊपर लेके जा रहे हो उस हेयर में आपने एक सेक्शन को मिक्स करना है इस तरह से। इनको मिक्स कीजिए, इनको फिर से मिक्स कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये पैटर्न हमारे पास आया है, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम लीजिए इस तरह से, इनको फ्रंट की डायरेक्शन में प्रेस कीजिए। फ्रंट डायरेक्शन में प्रेस करने से इसमें वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम लेने के बाद आपने इन्हें थोड़ा सा टर्न करते हुए बैक लेके जाना है। बैक ले जाकर आपने इन हेयर्स को, जो आपकी पोनीटेल के हेयर्स हैं, इन हेयर्स में इन्हें मिक्स करना है, और मिक्स करते हुए अगेन आपने इन्हें रोटेट करते हुए इसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो ये पैटर्न हमारे पास आया है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो हेयर्स हैं इनको आपने इस तरह से बैकवर्ड से लेके आना है, बैकवर्ड डायरेक्शन से। पहले इनको रोटेट अच्छे से कर लें डाउन तक, जहाँ तक आप कर सकते हैं। तो आपने इन्हें बैक से लेके आना है, बैक से आप इसे ऊपर से नहीं लेके जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे, जैसे कि आप हेयर्स लेके जा रहे हैं, यहाँ पे पिन अप कर लें। तो यू पिन की हेल्प से इन्हें पिन अप करें,
इनकी इनको होल्ड करें अपने हेयर्स को। अब आपने ये जो सेक्शन है ना, ये वाली ब्रेड जो बनाई थी, इसके अंदर से अपने हेयर्स को फिंगर डाल के ऐसे निकालना है। तो इसको होल्ड कीजिए और इस तरह से निकाल लें, इस तरह, और फिर से इसे इसी तरह रोटेट करना है। अब यहाँ पे हमारे हेयर जो हैं वो फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको फैलाएं, फैलाते हुए लगाना है हमने ये, एक क्योंकि हमारा ऑयल्ड बन है, थोड़ा फंकी या टाइप का दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा और यूनिक दिखना चाहिए। और इसमें हमने यू पिंस की हेल्प से इसे टाई अप करना है। चारों साइड से आप इसे टाई अप करेंगे इस तरह से, अच्छे से इसे टाई अप करें। तो ये देखिए प्रॉपरली इसमें और यू पिंस लगेंगी, अदरवाइज ये खुल जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पिंस आपने अच्छे से अप्लाई करनी है, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारी साइड्स में। और ये देखिए जो मेरे कटिंग वाले हेयर्स हैं ये बाहर आ रहे हैं ना, तो इसको भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे पिन अप करें। अगर आपके कटिंग के हेयर्स नहीं हैं तो वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो बन है ये रेडी है। अब हम इसमें करेंगे डेकोरेशन। तो डेकोरेशन पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी राउंड बीट्स, दिस वन, और इनको हमने इसमें सेंटर में 2-3 बीट्स अप्लाई करनी है। 2-3 अप्लाई करें, आसपास ही रखें, ज़्यादा दूर मत करें। 3 जो है वो आसपास ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है ये जो ऑयल डबन है ये कैरी कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रंट से अपने थोड़े से फ्लिक्स ले सकते हैं, इससे आपका हेयर स्टाइल जो है और ज़्यादा उभर के आता है और आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। और आप इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से, तो आपके सारे बेबी हेयर्स जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे लाइक दिस। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का न्यू ऑयल्ड बन। तो आई होप सो कि आपको ये बन हेयर स्टाइल जो है वो पसंद आया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।